और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये कहता है ये मोटरसाइकिलिस्ट है, बेसिकली द क्वेश्चन इज अपॉन द डॉपलर इफेक्ट। तो एक मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और वो देखता है कि ही स्लो डाउन स्पीड, मतलब एक बाइकर है वो बाइक चला रहा है और सामने ट्रैफिक आ गई और उस ट्रैफिक में अपनी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से कम कर लिया। उसके बाद क्या किया, जैसे ही ट्रैफिक कम हुई अपनी स्पीड बढ़ा लिया, कितना बढ़ाया, 18 किलोमीटर पर आवर। मूविंग अहेड ही फाइंड दैट ट्रैफिक इरेज एंड कार मूविंग, जब ट्रैफिक कम हुई उसके आगे एक कार है, ये बेसिकली एक कार है 18 किलोमीटर पर आवर से उसके आगे एक हॉर्न बजा रही है 1392 फ्रीक्वेंसी से। अब स्पीड ऑफ द साउंड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न इज हियर्ड बाय हिम, मतलब बाइकर, बाइकर को कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बाइक चलाने वाला है और वो बाइक है, सामने इसके एक कार है ये बाइक वाला है, कार वाला है। बाइक वाला इधर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है देखो, 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। 36 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 × 36 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब इसके और इधर एक कार वाला है जो कि आगे जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से। ये इन दोनों की जो वेलोसिटी वेक्टर है देखना आगे है, ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। इसने क्या किया, साउंड जनरेट किया, सोर्स ऑफ साउंड, ये सोर्स ऑफ साउंड है और ये ऑब्जर्वर है, ये सुनेगा, ये जनरेट करेगा और ये सुनेगा, बराबर है। जो इसने जनरेट किया उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 1392 हर्ट्ज है और साउंड की स्पीड, साउंड अब ये सुनेगा, ये कैसे सुनेगा यार, इधर से साउंड आएगी तभी तो सुनेगा, ये इस तरह से साउंड आएगी, स्पीड भी जो होगा 343 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द बेसिकली द स्पीड ऑफ साउंड। अब ये कहता है कि इसको कितनी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो हम सिंपली डॉपलर इफेक्ट लगा देते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ ऑब्जर्वर वी माइनस वी एस और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फार्मूला। जब मैं इसको लगाने को आपको बताया हूँ तो मैं आपको कोई नया साइन कन्वेंशन नहीं बताया हूँ, मैं सबसे सिंपलेस्ट साइन कन्वेंशन बताया हूँ कि एक डायरेक्शन में वेक्टर के साइन एक जैसे रहते हैं। अगर मैं इस साउंड की स्पीड इधर पॉजिटिव ले लेता हूँ तो इधर लगने वाले सारे वेक्टर पॉजिटिव होंगे। चलो तो अब मैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, साउंड की स्पीड इधर मैं 343 ले लिया जो कि पॉजिटिव ले लिया, और माइनस साइन फार्मूले से ऑब्जर्वर की स्पीड, ऑब्जर्वर उधर जा रहा है इसके अपोजिट जो कि माइनस पहले से था, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड के अपोजिट है तो माइनस और एक माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, डिवाइड बाय माइनस 343 और माइनस, अब सोर्स भी इधर ही जा रहा है तो ये माइनस 5 और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 392 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली इसको काट कुट लो, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी 343 प्लस 10 एंड 343 प्लस 5 और मल्टीप्लाइड बाय 392। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे और काट लोगे तो 1412 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब सी ऑप्शन सही है हम लोग का, बराबर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा क्यों है कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, इसको ज़्यादा मिला क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोचिंग में इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा। नेक्स्ट, इफ यू स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ द ओपन पाइप एट बोथ एंड, चलो अगर हमारे पास एक पाइप है जो ऑलरेडी